हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सिक्वल सर्वर पे, जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर मेरे पास है। एसक्यूएल सर्वर पे हम एक्सेल की डेटा को कैसे लोड करें, तो आपको यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। डेटाबेस को पहले ने कनेक्ट कर लिया हुआ है, मेरे पास डेटाबेसेस है यहाँ पे साइड में, और मेरे पास AUG नाम का एक डेटाबेस है जिसमें टेबल्स हैं, और टेबल्स में देखेंगे सेल्स का टेबल मेरे पास है। अगर सिलेक्ट टॉप 1000 करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ID से लेकर दिसंबर तक की सेल इसमें है। मैं इसमें एक और जो है मेरे पास एस डेटा के नाम से एक फाइल है, उसको सेव करना चाहता हूँ, इसमें इम्पोर्ट करना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, टैक्स पे जाना है, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे पूछता है चूज द सोर्स डेटा, तो मैं एक्सेल लेना चाहता हूँ, एक्सेल को सिलेक्ट किया, ब्राउज करके अपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक्सेल 97 से 2003 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपका वर्जन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो ये होता है JDK होता है उसके हिसाब से वर्क करता है। लेकिन मेरे सिस्टम में 90 एक्सेल तो 12.7 है, ये 13 है, लेकिन इसके अंदर जो JDK इंस्टॉल है ना, ये 2003 है। तो फिलहाल हम इसको इतने रखते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब पूछा है टू चूज डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में आपको यहाँ आपको SQL सर्वर, जी हाँ, ODBC प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, लास्ट से ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मेरा विंडो ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि मेरी जो लोकल होस्ट है, क्लाइंट सर्वर नहीं है, आपका ऑफिस क्लाइंट सर्वर होगा तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सर्वर आ जाते हैं। अलग अलग सर्वर होंगे तो यहाँ पे अलग अलग चूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही सर्वर है तो मैंने एक चूज किया हुआ है। और AUG डेटाबेस में है, AUG डेटाबेस में सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट, और डेटा को सेलेक्ट किया, सीट को एक से ज्यादा सीट भी डाल सकते हैं, फिलहाल एक ही सीट है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और हम फिनिश कर देते हैं। और 790 रो ट्रांसफर हो गया है, क्लोज कर लीजिए। तो दिखे कहाँ, यहाँ पे दिखे, अब नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया डेटा, राइट क्लिक सिलेक्ट 1000। अब यहाँ देखिए आईडी से लेके यहाँ पे टोटल है, GST है, कॉमन है, जी टोटल है, जून है, आ गया डेटा। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें और इस तरह की नॉलेज देते रहें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में रिकॉर्डेड कोर्स के लिए मेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।